नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका राम रूप शर्मा चैनल पर हिंदी की वीडियो के लिए। आज मैं जो हिंदी की वीडियो लाया हूँ वो कृतिका भाग दो से है, जो हिंदी कोर्स ए के लिए है। उसमें से आपको ये पता लग ही गया होगा कि लास्ट के दो चैप्टर हैं वो आपके कटे हुए, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आने, तो तीन चैप्टर से क्वेश्चन आने। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे वही रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहता हूँ कि अगर आपको इसी तरीके से बने रहना है हमारे साथ में, तो वीडियो को लाइक करके करें और शेयर जरूर करें। साथ के साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी कराएं, मुझे बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। तो यहाँ पर जो आपके पांच चैप्टर हैं उनमें से दो तो कट ही गए हैं, पहले जो तीन चैप्टर हैं उन चैप्टर्स में से आपका क्वेश्चन आने। और आपने अगर कुछ सैम्पल पेपर किए होंगे तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है वो सबके सब क्वेश्चन वैल्यू बेस आते हैं। यहाँ भी मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं वो वैल्यू बेस ही लिखे हैं, और मुझे लगता है कि वैल्यू बेस क्वेश्चन ही आता है। वैल्यू बेस क्वेश्चन में एक फायदा और भी है कि हम उसे बना के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन तीन चैप्टर में से भी मैं आपको थोड़ी सी राय और दूंगा, अगर आपके पास टाइम कम है अब तो आप उसमें से कोई दो चैप्टर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चॉइस में आता है। पहला क्वेश्चन मैंने रखा है, माता का आंचल पाठ में जो बच्चों की दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से कितनी भिन्न है, तो इसे आप बना के भी लिख सकते हो। वैसे चैप्टर माता के आंचल के चैप्टर का है, उसे पढ़ लेंगे तो लगभग उसके आसपास ही रहना जहां चैप्टर चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पाठ के आधार पर यह कहां कहा जा सकता है कि बच्चे को अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह माँ की शरण लेता है, आपकी समाज में इसकी क्या वजह हो सकती है। तो आपको पता होगा क्योंकि माता का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के लिए, जन्म से लेके 9 महीने अपने पेट के अंदर रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए वो माता की शरण में जाता है, जाना भी चाहिए। यहाँ वो आपके अपने विचार पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये वैल्यू बेस है, इसलिए आप इसका आंसर अपने तरीके से दे सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, मैं एक बात बीच में और बता दूं कि देखिए, आप वैल्यू बेस होने का मतलब अपने तरीके से लिखने का मतलब पूरा अपने तरीके से तब तक नहीं होता, क्योंकि हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि चैप्टर किसके चारों तरफ घूम रहा है, जहां चैप्टर जाता है हमें उसके आसपास रहना होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की नाक, ये चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक से है, कि नाक लगाने के लिए जो जो प्रयास किए उन्हें आप किस तरह किस रूप में लेते हैं और क्या ये प्रयास आवश्यक थे, तो ये क्वेश्चन भी आप बुक से देख के आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और देखते ही देखते नई दिल्ली की कायापलट होने लगा, नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, इस पर भी आपको अपने विचार ही लिखने हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, कटाव में किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक वरदान है, इस कथन के पक्ष में आप अपनी क्या राय रखेंगे। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन रखा है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जीवन मूल्यों की दृष्टि से लिखिए। तो इस तरीके से मैंने ये 6 क्वेश्चन रखे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है वैसे में से इन्हीं 6 क्वेश्चन में से आपके 2 क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन भी आपके चॉइस में होंगे, कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। 4 मार्क का होगा, तो ध्यान रखें कि कितनी लंबाई रखनी है। इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिए आगे इंग्लिश और SST वगैरह सभी सब्जेक्ट के लिए, इवन FIT सब्जेक्ट के लिए भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द